अजमेर जिला राजस्थान राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। अजमेर जिला अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी तथा पूर्व में बनास की सहायक नदियां बहती हैं। अजमेर जिला अपने इत्र की खुशबू के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर पान की खेती भी होती है, जिसकी खुशबू व स्वाद गुलाब के जैसा होता है। दोस्तों, अगर अजमेर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि अजमेर का इतिहास जो है काफी ज्यादा दिलचस्प है। इस क्षेत्र पर लगभग 700 वर्षों तक जो है चौहान वंश का कब्जा रहा था, परंतु सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर लगभग चौहान वंश का समापन कर दिया। मुगल काल के दौरान भी अजमेर शहर का एक महत्वपूर्ण महत्व था, क्योंकि बादशाह अकबर अजमेर शरीफ से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह शरीफ जियारत करने के लिए हमेशा यहां पर आते थे, जो कि अजमेर जिला में मौजूद है। लगभग 8481 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले अजमेर जिला की जो कुल आबादी है वो 25,83,000 है। इस जिले की मुख्य नदी का नाम लूनी नदी है। लूनी नदी के किनारे पर बसा अजमेर जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 138 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अजमेर जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ जो है घिरा हुआ है, जिसमें पाली जिला, भीलवाड़ा जिला, टोंक जिला, नागौर जिला और राजसमंद जिला है। दोस्तों, अजमेर जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अजमेर जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर लोग घूमकर आनंद उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा खास स्थान है जो कि अजमेर जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा। हिंद के राजा के नाम से पुकारे जाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इसी अजमेर शहर में मौजूद है, जहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से लोग इस दरगाह की जियारत करने के लिए अजमेर शहर में आते हैं। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की कब्र मुबारक मौजूद है। हर वर्ष दुनिया भर के मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोग जो हैं वो इस दरगाह की जियारत करने के लिए अजमेर शहर में आते हैं। दरगाह के प्रवेश द्वार को निजामी गेट कहते हैं और उसके बाद के गेट को शाहजहानी गेट कहते हैं। इस शाहजहानी गेट को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहानी गेट के बाद बुलंद दरवाजा है। हर वर्ष यहाँ पर उर्स लगते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जो है वो इस दरगाह पर आते हैं। नंबर दो, अन्ना सागर झील। इस खूबसूरत कृत्रिम झील को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका नाम अंजी चौहान के नाम पर रखा गया था। इस झील में जल भराव का समय जो है वो समय के स्थानीय आबादियों द्वारा किया गया था। सन 1637 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने झील के किनारे लगभग 1240 फीट लंबा कटहरा बनवाया था और पाल पर संगमरमर की 5 बरामदरियों का निर्माण भी कराया था। झील के प्रांगण में स्थित दौलत बाग का निर्माण जो है वो जहांगीर द्वारा करवाया गया था, जिसे सुभाष उत्थान के नाम से जाना जाता है। यह झील लगभग जो है ये जो झील वो 13 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अन्ना सागर झील भारत के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर तीन, सोनी जी नशिया। दोस्तों, इसे अजमेर का जैन मंदिर भी कहा जाता है। यह जैन मंदिर अलंकृत वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है और यह ऋषभ या आदिनाथ को समर्पित है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है और अंदर संगमरमर की सीढ़ियां पवित्र तीर्थंकरों की छवियों के साथ सुसज्जित है। 19वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर की गिनती सबसे अमीर मंदिरों की सूची में होती थी। अजमेर का जैन मंदिर काफी खूबसूरत और उल्लेखनीय है। नंबर चार, पुष्कर झील। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पवित्र पुष्कर झील को सभी तीर्थ स्थलों के राजा तीर्थराज के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी डुबकी लगाने के बिना जो है वो कोई भी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा अजमेर जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जिसमें अढ़ाई दिन का झोपड़ा, फायर सागर झील, किशनगढ़ का किला आदि। लेकिन दोस्तों, इन सभी का व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर यातायात की बात करें तो अजमेर जिला जो है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग।
दोस्तों अजमेर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम अजमेर जंक्शन है। यह जंक्शन अहमदाबाद दिल्ली लाइन, जयपुर अहमदाबाद लाइन, अजमेर चित्तौड़गढ़ लाइन पर स्थित है और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। अजमेर जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म मौजूद है। अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस, जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस जैसी तमाम ट्रेनें जो है वो अजमेर जंक्शन के माध्यम से होकर गुजरती हैं, जो कि आगे चलकर भारत के विभिन्न शहरों तक जाती है। इन तमाम रेलगाड़ियों के माध्यम से भारत के विभिन्न कोने से जो लोग हैं वो अजमेर शरीफ में जा सकते हैं। नंबर 2, सड़क मार्ग। दोस्तों अजमेर जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 8 गुजरती है, जो कि अजमेर जिला को जयपुर से जोड़ती है। इसके अलावा यहाँ से जो जैसलमेर है वो 490 किलोमीटर है, बीकानेर 233 किलोमीटर है तथा जयपुर 138 किलोमीटर है। इन सभी शहरों के लिए जो है वो अजमेर जिला से जो है वो नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर 3, हवाई मार्ग। दोस्तों अजमेर जिला का किशनगढ़ हवाई अड्डा यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा है, जो कि 138 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से 138 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित है। दोस्तों इसके अलावा यातायात की और भी कई प्रकार की सुविधाएं, जैसे कि टेम्पो, रिक्शा और भी कई छोटे बड़े जो गाड़ी की सुविधा है वो अजमेर जिला में मौजूद है। दोस्तों अगर शिक्षा की बात करें तो अजमेर जिला की साक्षरता दर 86% है, यानी कि अजमेर जिला में जो है 86% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। इस जिले में कई ऐसे स्कूल व कॉलेज हैं जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। इन स्कूलों में दयानंद आर्या बालिका महाविद्यालय, आर्य भट्ट कॉलेज अजमेर, मायो कॉलेज अजमेर और श्री ओंकार सिंह मेमोरियल कॉलेज जैसे तमाम स्कूल व कॉलेज जो हैं वो अजमेर जिला में मौजूद हैं। दोस्तों जाति धर्म के आधार पर अजमेर जिला में 83% हिंदू, 12% मुस्लिम तथा 1% जो है वो ईसाई धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों अजमेर जिला जो है वो मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों समुदायों के लिए जो है वो एक प्रमुख आस्था का केंद्र है, जहां मुस्लिम समुदाय के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ और भी कई छोटे बड़े दरगाह शरीफ मौजूद है। वही हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए कई प्रकार के जो है वो यहाँ पर तीर्थ अंकर है, जहाँ पर जैसे कि पुष्कर झील जो कि पवित्र स्थल है ये माना जाता है। इसके अलावा और भी कई छोटे बड़े मंदिर मौजूद है जो कि यहाँ के आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। दोस्तों राजस्थान राज्य के अजमेर जिला के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।